आज हम बात करेंगे दुनिया की पांच ऐसी खतरनाक झीलों के बारे में जो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। जी हाँ, जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। वैसे तो झीलें पृथ्वी का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी को सुंदर तो बनाती ही हैं, साथ ही हमारे जीवन में पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। पर इसके साथ साथ झीलें एक ऐसा माध्यम भी है जो किसी भी क्षेत्र में पर्यटक को भी बढ़ावा देता है। पर कुछ झीलें ना तो सुंदर हैं और ना ही लाभदायक हैं। चलो अब हम बात करते हैं उन झीलों के बारे में। नंबर एक, बॉइलिंग लेक। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, मतलब उबलता हुआ या खौलता हुआ पानी। यह झील डोमिनिका कैरेबियन आइलैंड पर स्थित है। यह दुनिया की दूसरी ऐसी झील है जिसमें प्राकृतिक रूप से गर्म पानी बहता है। ये एक ऐसी झील है जिसमें गिरने से किसी की भी जान जा सकती है, क्योंकि इसका तापमान 180 डिग्री से 197 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 82 से 92 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं इस झील का पानी बीच में से उबलता हुआ भी नज़र आ जाता है। नंबर दो, लेक किवू। यह झील जो कि डेमोक्रेटिक अफ्रीका महाद्वीप के रिपब्लिक शिकागो और रवांडा के बॉर्डर पर स्थित है। इस झील का नाम दुनिया की तीन सबसे ज़्यादा डेडली झीलों में शामिल है। इस झील में कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मौजूद है, साथ ही इसके गहरे पानी के नीचे मीथेन गैस भी पाई जाती है, जिस कारण इसका पानी बहुत ज़्यादा जहरीला हो चुका है, जो किसी के भी मौत का कारण बन सकता है। खूनी पोखर, जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है, जो कि जापान में स्थित है और यह जापान के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। इस पोखरनुमा झील में तैरना मना है, क्योंकि इसका तापमान 90 डिग्री सेल्सियस रहता है। झील में लोहे और नमक की अधिक मात्रा होने के कारण झील के पानी का रंग लाल है, जो कि खून जैसा प्रतीत होता है। पानी की सतह से भाप निकलती है, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यह नरक का द्वार हो। अब हम बात करेंगे एक ऐसी झील की जो प्राकृतिक रूप से खतरनाक तो नहीं थी, पर सरकार द्वारा फेंके गए रेडियोएक्टिव कचरे के कारण यह झील प्रदूषित हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कराची झील की, जो हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है। यह झील दक्षिण रूस के पहाड़ों के बीच में स्थित है। यह नीली झील दुनिया की सबसे खतरनाक गहरी झीलों में से एक है। 1991 में रशिया सरकार ने इस झील का इस्तेमाल रेडियोएक्टिव कचरा फेंकने के लिए किया था। इसी वजह से यह झील इतनी खतरनाक हो गई है। अगर कोई व्यक्ति इसके पास 5 मिनट भी खड़ा हो जाए तो इसमें से निकलने वाली रेडियोएक्टिव किरणें उसकी मौत का कारण बन जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि पानी में गिरकर डूबने से मौत हो जाती है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। जी हाँ, एक झील ऐसी भी है, अगर उसमें कोई व्यक्ति गिर भी गया तो उसकी मौत डूब कर नहीं करंट लगने से होगी। जी हाँ, उसकी मौत डूबकर नहीं करंट लगने से होगी। हम बात कर रहे हैं लेक मिशिगन की, जो हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पर आती है। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बॉर्डर पर बनी पांच झीलों में लेक मिशिगन झील सबसे खतरनाक है। इस झील में हवा और पानी के तापमान में होने वाले बदलाव के कारण करंट पैदा होता है। खास बात यह है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में यह झील और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर इसमें कोई व्यक्ति जाने की कोशिश भी करता है तो उसकी मौत तुरंत करंट लगने से हो जाती है।